गर्मी की छुट्टियों से मिली खुशी के साथ राजन अपनी नानी के घर कुछ दिन रहने जा रहा है। नानी, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ? नहीं राजन, इन कोल्ड ड्रिंक्स में पोषक तत्व नहीं होते हैं। जाओ हमारे बागीचे से नींबू तोड़ के लाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बगीचे में जाने से पहले चप्पल पहन लेना। अरे वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। राजन रुको, हमें फल खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। राजन और अंकित, खाना तैयार है, आ जाओ खाना खाते हैं। आने से पहले अपने हाथ धो लेना बेटा। लता आंटी, प्लीज मुझे पालक और दही मत दीजिए, मुझे इनका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजन, तुम और अंकित अभी बढ़ती उम्र के बच्चे हो और तुम दोनों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। देखो राजन, आटा और चावल थोड़े से मक्खन और सब्जी के साथ हमको ऊर्जा देते हैं, जबकि दाल और दूध के उत्पाद में प्रोटीन होता है जो शरीर को बढ़ने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जी और सलाद में विटामिन और लवण की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाते हैं और हमारी त्वचा, बाल एवं आँखों को स्वस्थ रखते हैं। राजन, तुमको पनीर खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए मैं पनीर को पालक में मिला दूंगी ताकि तुम इसका मजा ले सको। थैंक यू नानी ये सब बताने के लिए। और हाँ लता आंटी, मुझे पालक पनीर पसंद है। राजन, क्या तुम मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बाहर मैदान में खेलना चाहोगे? चलो चलते हैं, मुझे बाहर खेलना पसंद है। ध्यान रखना, खेलने के बाद तुम दोनों खुद को अच्छे से साफ कर लेना। लता आंटी, हमेशा साफ रहना इतना जरूरी क्यों है? बच्चों, अपनी व्यक्तिगत सफाई रखना और बार बार अपने हाथ धोना बेहद आवश्यक होता है। ये तुमको कीटाणुओं और बीमारियों जैसे डायरिया, निमोनिया एवं कोविड-19 से बचाता है। व्यक्तिगत सफाई रखने की अच्छी आदतें हमको सुरक्षित और स्वस्थ रखती हैं। मेरी क्लास टीचर ने बताया था कि हाथ धोने के साथ हमको रोज नहाना और दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश से साफ करने चाहिए। बिल्कुल सही, इसके साथ साथ भोजन संबंधित सफाई भी बेहद आवश्यक है। हमें खाने का सामान खरीदने से पहले जांचना चाहिए और घर ले जाकर उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। हमको कच्चे और पके खाने के सामान को अलग अलग रखना चाहिए और उनको दूषित होने से बचाने के लिए ढकना चाहिए। हमेशा साफ बर्तन में पकाकर ताज़ा खाना चाहिए और बचे खाने को ठंडा करके सफाई से रख देना चाहिए। क्या इसलिए ही आप लोहे के बर्तन में खाना पकाती हैं? माँ ने बताया था कि इससे खाने की पोषण संबंधी क्षमता बढ़ जाती है। अब मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं नारियल और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ, जब तक तुम वापस आओगे तब तक ये तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश वैसे ही खुले में शौच करने की समस्या से जूझ रहा है। अंकल, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश स्वच्छता अभियान चला रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि अगली बार से आप सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं सार्वजनिक शौचालय का ही उपयोग करूंगा। धन्यवाद अंकल। लोगों को ऐसी आदतों और खुले में शौच के खतरनाक प्रभावों को जरूर जानना चाहिए। ये मैले पदार्थ पानी को दूषित करते हैं और हमारे घर पहुंच जाते हैं। हाँ, और कीड़े इन कीटाणुओं को हमारे घर तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा खाना दूषित हो जाता है। दुख की बात है कि लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। ज्योति गिर गई, चलो उसकी मदद करें। ओ नहीं, ये मेरी दोस्त ज्योति है, चलो दौड़कर देखें। कुछ दिन पहले हम सब खेल रहे थे तब वो बेहोश होकर गिर गई। बाद में उसने बताया कि उसने उस दिन अपना लंच नहीं खाया था। चलो उसको पास के स्वास्थ्य केंद्र लेके चलते हैं और प्लीज उसके माता पिता को कोई सूचित कर दे। डॉक्टर, हमारी दोस्त बेहोश हो गई है, प्लीज चेक करिए कि ये ठीक है। यह कमजोर और एनीमिक लग रही है। ज्योति, क्या तुमने आज नाश्ता किया था? नहीं डॉक्टर, मैं अक्सर नाश्ता नहीं करती क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ज्योति, यह ठीक नहीं है। बहुत सारे किशोर नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है।
ताकि पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे और यह शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। मेवे और पत्तीदार सब्जियां खाने से हमारे अंदर आयरन की कमी नहीं होती, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। अगर तुम्हें कभी भी अचानक से थकावट या सुस्ती लगे तो तुरंत बड़ों को बताओ या पास के डॉक्टर अथवा किसी उचित स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ। याद रखो ज्योति, तुम्हारे उम्र की बहुत सारी लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से हर महीने रक्त की कमी होती है। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम आयरन से भरपूर भोजन लो। हमारी सरकार किशोर स्वास्थ्य को सहयोग प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, जिसके तहत साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली पूरक आहार के रूप में प्रदान करी जाती है। साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करती है, ताकि तुम लोगों को संक्रमण और रोगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब हमारी स्कूल की किताब में भी लिखा है। हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य, सफाई और पोषण का ध्यान रखें। किशोरावस्था के दौरान पोषण की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वक्त तेजी से बढ़ोतरी एवं विकास का होता है। विद्यार्थियों को संतुलित आहार के साथ सफाई और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण शारीरिक विकास में सहायक है एवं भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है।